हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजू। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं व्रत के लिए कैरी की खट्टी मीठी चटनी, इंस्टेंट वाली, जो एकदम ही बनाते ही तैयार हो जाएगी खाने के लिए। तो ये देखिए, ये मैंने एक बड़ी कैरी को कद्दूकस कर लिया है। ये देखिए, इसके बारीक बारीक लच्छे ऐसे बन गए हैं ये। और अब हम, क्योंकि ये व्रत की बना रहे हैं तो ज़्यादा मसाले हम बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। इसमें हम डाल देंगे, पहले कढ़ाई गरम कर ली है ये मैंने, और एक टेबल स्पून इसमें डाल देंगे हम ऑयल नहीं, ये है देसी घी, क्योंकि व्रत में खा रहे हैं। और इतनी बढ़िया दोस्तों ये लगती है ना, इतनी टेस्टी। ये मैंने कढ़ाई गरम कर ली थी, ये देखिए गरम हो गई है। अब इसमें हम मसाले बिल्कुल ही लाइट डालेंगे और थोड़े डालेंगे। ये देखिए घी गरम हो गया है। अब इसमें मैंने डाल दिया ये थोड़ा सा जीरा। जीरा को चटकने देंगे अच्छे से। ये देखिए, और फिर इसमें डालेंगे हम, ये है काली मिर्ची का पाउडर, ये मैंने पीस के रखा हुआ है। गैस को कर देंगे स्लो, जिससे जीरा हमारा काला नहीं पड़ जाए। ये देखिए, ये काली मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ा साइड में डालेंगे। और डालेंगे हम रेड चिली पाउडर, और ये मैंने रेड चिली और चिली फ्लेक मिक्स कर रखे हैं ये घर में बना करके, तो चिली फ्लेक से भी स्वाद बहुत अच्छा आता है। और हल्दी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं। अब हम इसमें हम डाल देंगे ये सारी अपनी कैरी, कच्ची आम भी। आजकल क्या है ना, गर्मियां हैं, और ये देखिए ये सारी मैं इसमें डाल दूंगी। और इसको थोड़ा सा पहले भून लेंगे, ये देखिए गर्मियां आ गई हैं तो कैरी खूब अच्छी आ रही है आजकल, और सब्जियां ऐसी सूखने लगती हैं इन दिनों में, तो सब्जी खाने का बिल्कुल मन नहीं होता। और व्रत चल रहे हैं तो हम इसे बनाएंगे सेंधा नमक की। सेंधा नमक से हम व्रत में कोटू के चीले वगैरह के साथ, पकौड़ी के साथ, किसी के भी साथ इसे खा सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा भून लेंगे, गैस में थोड़ा हाई कर देती हूँ। इसको भून करके अब इसमें डाल देंगे, ये है सेंधा नमक। नमक थोड़ा सा तेज ही पड़ता है इन चीज़ों में, मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ। और वैसे तो क्या था, हम गुड़ भी डाल सकते थे मीठा करने के लिए इसे, लेकिन ये व्रत के लिए बना रही हूँ तो मैं गुड़ नहीं डालूँगी। इसमें मैं चीनी का यूज़ करूँगी, तो ये मैं डाल देती हूँ। बहुत मीठी नहीं बनाएंगे हम, खट्टी मीठी रखेंगे। 3-4 चम्मच ये मैंने शुगर डाल दी है, और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। इतनी बढ़िया दोस्तों ये चटनी तैयार होगी ना इंस्टेंट, ये देखिए। और ये पानी छोड़ेगी ना जब चीनी और नमक मिल करके खट्टी कैरी के साथ, तो इसका रसा अपने आप से ये रिलीज़ हो जाएगा। तो ये पूड़ी पराठे वैसे भी आप खा सकते हैं बिना व्रत के भी, लेकिन मैं आजकल नवरात्रे चल रहे हैं व्रत के लिए बना रही हूँ, ये देखिए। और अगर आप कलर चाहें तो रंग वाली मिर्चें भी इसमें डाल सकते हैं, थोड़ी सी मैं भी डाल देती हूँ तो बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये है बादशाह की कश्मीरी चिली पाउडर, तो ये मैं थोड़ा सा इसमें से डाल देती हूँ, इससे कलर इसका बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि ये मैं थोड़ी ही बना रही हूँ तो इतनी ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ी कम डालूँगी। ये देखिए वो मैंने बचा लिया है स्पून में, तो हमारे व्रत के खाने का स्वाद एकदम से बढ़ जाएगा। और हम अच्छे से खट्टे मीठे रसे के साथ, जिनको ये फ्लेवर पसंद है खट्टा मीठा, उन्हें ये चटनी तो बहुत पसंद आने वाली है। ये देखिए, और इसी में आप चाहें तो ड्राई फ्रूट भी काट के डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी सिंपल ही बना रही हूँ।
ये देखिए, और ये मैंने बारीक वाले कद्दूकस में जो तीन वो होते हैं ना, एक बड़ा, एक मीडियम और एक सबसे छोटा, तो ये मैंने मीडियम वाले में ग्रेट कर लिया था। ये देखिए कितनी जल्दी हमारी चटनी हो गई है रेडी। आपने देखा ना कितनी ही टाइम लगा, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगे हैं। ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये ऐसे चीनी से थोड़ी वो हो जाएगी, चमचक्कड़ सी हो जाएगी। तो इसको हम इस स्टेज पर यहीं पर गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए, और ये क्योंकि अभी रख करके भी रचेगी, और ये अभी बिल्कुल हमारी रेडी है। अभी हम बनाएंगे कोटू के चीले और उसके साथ इसको सर्व करेंगे, क्योंकि दही भी हम हर टाइम, रात का टाइम है, थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, तो उसके बजाय हम ये चटनी यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आपको दिखाती हूँ सारा रेडी करके। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारी व्रत के चीला विद दही और इंस्टेंट चटनी आम की। देखिए मैं पास से दिखाती हूँ आपको, ये हमारे चीले हो गए रेडी हरी मिर्च के साथ, और ये दही और ये मीठी चटनी जो अभी हमने बनाई है। ये मैंने थोड़े से मेलन सीड्स डाल दिए हैं इसमें इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से इंस्टेंट बनाइए, और अगर इसको स्टोर करना है तो उसके लिए मैं दूसरी एक और वीडियो बनाऊंगी। अभी आम भी बहुत आ रही हैं, अभी व्रत चल रहे हैं, उसके बाद मैं बनाऊंगी, तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि अगर आपको साल भर रखनी है तो इसको किस तरीके से बनाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।